स्वयंमाधेपुर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित और पूर्व राजस्थान कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंधवी और संगठन के पदाधिकारी द्वारा प्रेस को संबोधित किया गया। राजस्थान चुनाव में भाजपा द्वारा 20 प्रमुख मांगों का संकल्प पत्र तैयार किया है, जो कि सरकार बनने के बाद लागू करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका, शादावली। गुड बाय गहलोत, बीजेपी 120 और 120 आई, न 119 आई न 121 आई। मैं वहां से चला हनुमानगढ़ तक, मैं आपको ले गया हनुमानगढ़ के बाद में जो जिले आए उसके अंदर मैं मानता हूं भाजपा का, मान लीजिए इतना नहीं भी था, और जो आ गए उनके चार टुकड़े हो गए। वे टुकड़े क्या, एक टुकड़ा तो सचिन का हो गया, एक टुकड़ा जेडीएस का हो गया, विश्वन के पार्टी का हो गया, एक टुकड़ा और किसी का हो गया, एक रालोपा का हो गया, चार टुकड़े हो गए। इससे अब पूर्वी जामताल में अगर कांग्रेस दावा करती है कि मोहब्बत ले आएगी तो नहीं मानता इस बात जो बाबाओं का बोल रहे क्या राजस्थान में क्या बुराई है, क्या बुराई है, किस युग में नहीं थे, कष्ट युग में वशिष्ठ नहीं थे, राम के युग में विश्वामित्र नहीं थे, राम के युग में क्या और नहीं, संतों का सम्मान भारत का सम्मान है, संतों का सम्मान हमारी आत्मा का सम्मान है, संतों का सम्मान हमारा परम कर्तव्य है। राजस्थान की कमान भाई इसी बाबा के हाथ में तो नहीं जाने वाली। मैं आपको एक बात, ये प्रश्न आप मुझसे मत करिए, राजस्थान की कमान जाए किरण जी के हाथ में क्यों नहीं जा सकती, बेस्ट आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, ईमानदार आदमी है, चरित्र पर दाग नहीं है, किसी से झुकता नहीं है, कहीं रुकता। मैं कर्म से, धर्म से, ईमान से, अपने हर कदम से भारतीयता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और नरेंद्र मोदी के कदमों का अनुसरण करता हूं। मैं अभी वर्तमान में राजस्थान की शिवसेना का प्रदेश प्रभारी हूं, लेकिन नियुक्ति में लिखा गया है, एके सिंधे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने लिखकर दिया है कि आप तमाम विचारधारा वाली पार्टी का समर्थन करो। चूंकि यहां शिवसेना लड़ी नहीं रही है तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, मैंने तय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था, भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था, भारतीय जनता पार्टी का पहला पॉलिटिकल एडवाइजर था, बतुल्ला का कैबिनेट मिनिस्टर था। पुरानी बातें छोड़िए, अब मैं आज की बात करना चाहता हूं ताकि आपका समय नष्ट न हो। मैं एक बात बताऊंगा मेरे को, फिर मैंने सुना है, सत्य मैं नहीं जानता, आरोप में नहीं लगाता, मगर एक मैंने बात सुनी है, किरोड़ीलाल मीणा का नाम नरेंद्र मोदी के मुख पे हमेशा रहता है। इसका सबूत है उन्होंने एक बार 40 MPs की मीटिंग की थी और तब कहा करके 6 MPs को कहा था कि जब किरोड़ी संघर्ष करता है तो आप घर में क्यों बैठे रहते हो, आप किरोड़ी जी इस बात की तस्दीक करा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज राजस्थान में जो हलाहल भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ, जो अनाचार है उसके खिलाफ, स्त्रियों पर हुए अत्याचार के खिलाफ, पेपर लीक में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या और कोई है नेता जो बोलता हो, एक बात तो किरोड़ीलाल मीणा। इसलिए मैं किरोड़ीलाल मीणा की जीत व्यक्ति के रूप में नहीं, सच्चता के रूप में चाहता, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी का साहस नहीं है, इतना साहस, इतनी हिम्मत और परिपक्वता के साथ। ईडी वाले इनका कितना रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे बहुत बड़े संबंध है, बरसों से राजनीति में रहा हूं, मैं पत्रकार भी रहा हूं, रजत शर्मा मेरा असिस्टेंट हुआ करता था जब मैं पत्रकार था, जो आजकल इंडिया टीवी में आते हैं। मैं आपको एक ही बात कह, हम पत्रकारों का भी ये कर्तव्य, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई नेता, कोई ग्रुप, कोई संगठन किसी प्रकार भ्रष्टाचार से लड़ता है, उस भ्रष्टाचार को संबल देना और उसकी पीठ थपथपाना, ये पत्रकारों का कर्तव्य। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पत्रकारों को भी अपने स्तर से घिराने के लिए वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये पत्रकारों का स्वाभिमान है, मैं बालिकों की बात नहीं कर, लेखनी की बात करता हूँ, लेखनी नहीं झुकी, लेखनी झुकेगी भी नहीं, और ये लेखनी की जिस प्रकार से सवाई माधोपुर में गुंडागर्दी चल रही थी, जिस प्रकार से हर रोज अपराध दर अपराध बढ़ते जा रहे थे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया और डॉक्टर साहब की यहाँ जरूरत, इसलिए राजस्थान भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रहलाद जी को भेजा, हम भारतीय जनता पार्टी, और यदि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन हिंसा चाहे मैं ही करूं वो एक मिनट बर्दाश्त नहीं, और वो उससे कभी भी अनुशासन या अनुशासित होने से नुकसान नहीं हुआ करते, इसके लाभ मिलते हैं, दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी
एक राजनीतिक दल होने के साथ साथ एक विचार परिवार का नाम।